अब महंगी बिजली से तो उपभोक्ता परेशान ही है, उसके ऊपर ऑफिसर उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं सुनते। जब उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो कोई उनकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। जन सुनवाई का दावा करने वाली सरकार के राज में मेरठ के 74 साल के गुलशन कुमार अपने बिजली कनेक्शन का लोड कम कराने के लिए 11 महीनों से अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी ऑफिसर ने सुनवाई नहीं की, जिसके चलते अब मेरठ पहुंचे ऊर्जा मंत्री से फरियाद करने के लिए बुजुर्ग गुलशन कुमार घंटों से मंत्री के इंतजार में हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलने के लिए एक बुजुर्ग यहाँ पर पिछले कई घंटों से बैठे हुए हैं। इस समय मंत्री जी चैम्बर में अंदर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। समस्या ये है कि ये अपने एक जो संयुक्त कनेक्शन था परिवार का, उसमें लोड कम कराना चाहते हैं क्योंकि घर के बंटवारे हो चुके हैं। बाबूजी, आप कितने दिनों से परेशान हैं, कब से भटक रहे हैं? मुझे भटकते हुए काफ़ी अक्टूबर में वो दिया था कनेक्शन, मैंने अप्लाई किया था अक्टूबर में लोड कम कराने के लिए। हाँ जी, लोड कराने 20 अक्टूबर को दिया था मैंने। उसके बाद में जब मैं अगले जब उसमें नवंबर में जब मेरा नाम नहीं आया, मैंने कहा चल भाई अब नहीं आया था, दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर में नहीं आया जी, जनवरी में जब फिर मैं उन पर गया तो उठा के इन्होंने कहा जी हमने हेड ऑफिस भेज दिया है। मैं कहा जी हेड ऑफिस क्यों भेजा, कहा जी मुझे इसकी जानकारी नहीं। चाहते क्या हैं, आखिर आपका काम क्यों नहीं हो रहा? अब ये मैं नहीं कह सकता, ये तो वो है कि वही सुविधा शुल्क उनको नहीं दिया, सुविधा शुल्क की वजह से ये हो गया सर। कहाँ कहाँ गए थे अपनी समस्या को लेके? मेरा काम हो जाता है फेडरल स्टाफ का। अपनी समस्या को लेके कहाँ कहाँ गए थे? मैं डीएम साहब को 3 दफ़ा एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब के पास, डीएम के पास इनको 3 दफ़ा रिमाइंडर पहुँच चुका है। डीएम साहब हर बार लिख रहे हैं, सब बात लिख रहे हैं। वो एमडी साहब हर बार एक नया बहाना बना के फ़ोन करके घर पर कहते हैं जी अभी तो गर्मी है, आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, आगे सर्दी आएंगी, सर्दियों में आपका बिल कम आएगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्या आगे गर्मी नहीं आने की? क्या आपको अपना बिल कम कराना है या लोड कम कराना है? लोड कम कराना है मुझे। किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। खीरी में